के शर्मा जी राजा और उसका एजेंट, यानी एक तरफ वो लगातार अमित शाह का नाम ले रहे हैं और दूसरी तरफ वो असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी जोड़ रहे हैं कि आप दोनों ने मिलकर बिहार का माहौल खराब किया है, यही आपकी राजनीति को सूट करता है। प्राची जी, जब बिहार के ऊपर जो है उनके चेहरे पर नीतीश कुमार जी ने कालिख मल दिया है तो अब वो क्या करें, उसको किसी पे तो वो लगाना है, कालिख तो इनकी सरकार के मुंह पे मली गई। जब जो है बिहार जल रहा था तो राजा बांसुरी बजा रहा था। आज 5-7 दिन बीत गए, नीतीश कुमार को इतना भी फुर्सत नहीं मिला कि उस क्षेत्र में जाके लोगों को सांत्वना दे सकें। वो तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उनको तो बिहार में घटना होती है तो कहते हैं कि मुझे तो अभी पता नहीं, मैं तो यात्रा में चल रहा हूँ। अभी ये कह रही थी कि हम तो सारा खुलासा करेंगे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अनुप्रिया जी से कि शराब कांड हुआ था, इतने लोगों की मौत हुई, आज तक कोई खुलासा कर पाए आप? एक नाम बता पा रहे हैं कि किसने किया था शराब कांड? बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या हो गई, अपराधी पकड़ पाए आप उसके? आपके यहाँ अवैध कब्जा में फायरिंग हुई, इतनी लोग मारे गए, किसी को पकड़ा आपने वहां पर? क्योंकि आपको यही नहीं, एक लंबी फेरिस्त है, पिछले 8 महीने के अंदर जो है 100 से ज्यादा हत्याएं हो गई वहां पर, किसी का आप रिपोर्ट ला पाए हो? इसलिए क्योंकि आपको वहां पर अब वहां जंगल राज पार्ट 2 चालू हो गया। वहां पर आरजेडी से मिलकर आपने हिंसा और भ्रष्टाचार और टैक्स वसूली, गुंडा टैक्स के आपने जो है धंधा चालू कर दिया, और आप कुर्सी के कारण से नीतीश कुमार जो है उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे आरजेडी से, क्योंकि वो इतने लालची व्यक्ति हैं, जो है इतने अवसरवादी व्यक्ति हैं। ठीक है, शर्मा जी, आपसे गठबंधन टूटा तो नीतीश कुमार लालची हो गए, आपको 100 खामियां उनमें नजर आने लगी, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड, आपकी भी केंद्र में सरकार है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि पूरे देश में शांति व्यवस्था कायम रहे। ऐसे समय में जब आपको शांति की अपील करनी चाहिए, आपके नेता कैसे कैसे बयान दे रहे हैं सर, कैसे थमेगा ये दंगा, कैसे जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है उसको आप कैसे रोकेंगे? प्राची जी, पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए कि कानून व्यवस्था राज्य की होती है, राज्य के अंतर्गत आती है, केंद्र से राज्य की कानून व्यवस्था। एक सेकंड, मैंने नहीं कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था आपके अंडर आती है, आपको राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी है। मैंने कहा एक नैतिक जिम्मेदारी तो है ना आपकी, केंद्र में आपकी सरकार है, आपके नेता कैसे कैसे बयान दे रहे हैं? नहीं, कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, जब आप बेवजह जो है बिना किसी जांच बिना किसी परख के और सीधे आरोप भाजपा के ऊपर लगाते हैं तो आपको जवाब नहीं होगा। किसने नहीं कहा वहां पर कि शांति हो, लेकिन आपके पास कोई जांच नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, और केवल तुष्टीकरण करने के लिए, और जब आप असफल हो गए वहां पर कानून व्यवस्था के मामले पर, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको एक सॉफ्ट टारगेट मिलता है कि भैया भाजपा पे लगा दो, इन पे लगा दो, इन पे कह दो, इसके बाद क्या है, लोग भूल जाएंगे, फिर हम अपना फिर वही करेंगे। तो इसलिए आपको बड़ा आसान है कहने के लिए, लेकिन यदि आप शासन नहीं चला पा रहे हैं वहां पर, कानून व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं, तो फिर आपको वहां पर बने रहने का भी कोई औचित्य नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था पूरी, हम इंटरफेरेंस केंद्र आपको क्या, एक मिनट प्राची जी एक मिनट, केंद्र क्या कर सकता है, केंद्र आपको यही कह सकता है ना कि भाई आपके पास यदि पुलिस व्यवस्था कम है तो हम केंद्रीय बल दे रहे हैं, हम आपको उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हमने कहा बिहार में नहीं दिया, नहीं कहा, अरे आपकी सारी बातें ठीक है के शर्मा जी, आपकी सारी बातें ठीक है, मैंने उन बयानों का जिक्र किया जो बयान आपके नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, एक सेकंड, किसी भी दंगे का या किसी भी दंगाई का कोई धर्म हो सकता है क्या? नहीं तो आप नहीं मुझे बताइए कि ममता बनर्जी ने कैसे धर्म गिन दिया उसमें। मैं ममता बनर्जी का थोड़ी ना आपसे बात कर रही हूँ, मैं तो आपसे आपकी जिम्मेदारी पूछ रही हूँ। ममता बनर्जी जो कर रही है उस पर उनसे सवाल किया जाएगा, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, आपके नेता जो कर रहे हैं मैं आपसे सवाल पूछूंगी, जाहिर सी बात है आप अपना जवाब देंगे मुझे। प्राची जी बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सामने वाला यदि कोई जो वहाँ पर शासन और सत्ता में बैठा है, जब वो शासन और सत्ता में बैठ के बिना किसी जांच बिना किसी पड़ताल बिना किसी तथ्य के सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर पहले दिन से लगा रहे हैं, तो क्या उसका जवाब नहीं होगा? जवाब दीजिए, धर्म की राजनीति मत करिए, मैं तो ये कह रही हूँ, आप जवाब दीजिए, आप दीजिए जवाब, आप नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करिए, लेकिन जब अलग अलग बयान और आप धर्म का एंगल ढूंढने लग जाते हैं उस पॉइंट पर मैं सवाल पूछ रही हूँ। धर्म का बयान है सर, आप खुलेआम कह रहे हैं कि ताजिए पर तो पत्थरबाजी नहीं होती, बहुसंख्यकों पर तो बड़ी जल्दी पत्थरबाजी हो जाती है, आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता कि आपको संवेदनशील होकर बयान देना चाहिए, आपको नहीं लगता कि ऐसे बयान भड़का सकते हैं लोगों को? मुझे प्राची जी एक चीज बताइए, हिंदुओं का त्यौहार
हिंदू त्योहार मना रहा है, हिंदू जलसा निकाल रहा है, हिंदू जो है आगे जा रहा है, हिंदुओं पर ही पत्थर पड़ रहे हैं, हिंदुओं के भी हत्याएं हो रही है, उनकी दुकानें जल रही हैं, इसके बाद हिंदू ही दोषी हो गया, ये कैसा न्याय है, मैं तो समझ ही नहीं पाता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।